सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अमन शाह डेली ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं अपने मायके और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अनार आ गए हैं। तो आ जाइए दोस्तों, अभी मीठे मीठे अनार खा लीजिए आके। और आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो गाँव में ना काफ़ी आराम मिल रहा है सच बताए तो। और शाम का टाइम है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठंडा मौसम भी हो चुका है। दोपहर में तो इतनी ज़्यादा धूप होती है ना कि सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता है घर से बाहर निकलने का। फिलहाल अभी शाम हो चुकी है और शाम होते ही हम आ गए हैं अपने बगीचे की सैर करने, यानी कि अमरूद लगे हैं तो उनको देखने आ गए हैं। और शाम का टाइम है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इस टाइम। और इसी टाइम मम्मी जो है यहाँ पे प्लाट में थोड़ी सी बोई थी मूँगफलियाँ, तो वही खोद के उनको यहाँ पे भून रही हैं। और आजकल वैसे भी मूँगफलियों का सीज़न है। तो दोस्तों हमारी मूँगफली जो है वो भुन गई थी और कुछ जो है पौधे में ही लगी थी तो वही हम लोग बैठे बैठे तोड़ रहे थे, और कुछ जो है भुन के गिर गई थी तो वही बीन रहे थे यहाँ पे। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी ताज़ी ताज़ी मूँगफलियाँ खा लीजिए आके, क्योंकि इन गरम गरम मूँगफलियों का ना स्वाद अलग ही होता है। और शाम का टाइम है तो पशुओं को चारा वगैरह हो गया है, लेकिन इनको जो है ताज़ी ताज़ी घास चरने में जो आनंद आता है ना वो चारा खाने में नहीं आता है। और प्लॉट में ज़्यादा घास तो नहीं है लेकिन जो है उसी से ये काम चला रही हैं। और इसके बाद मूंगफली लेकर आ गए हैं आंगन में, और यहीं पे कूलर चलता है तो सभी लोग यहीं पे ही बैठ के आराम से मूंगफली खा रहे हैं। और आजकल हमारी बड़ी बुआ भी आई हुई हैं तो वो भी साथ में बैठी हुई हैं। और इधर जब तक हमारे बाकी बिहारी भी खा रहे हैं कूलर की ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों हम मिल रहे हैं सीधा आपसे अगली मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो चुका है स्नान और तैयार हो चुके हैं। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बस जूड़ा लगाने का ही मन करता है, तो यहाँ पे फटाफट से लगा लिया है जूड़ा और थोड़ा बहुत तैयार हो गए हैं। और इसके बाद मम्मी जो है पीसने जा रही हैं दाल, जो कि शाम को ही भिगोई थी चना और उड़द की, तो इसको अच्छे से पीस लिया है क्योंकि आज हमारे वहाँ पे बनने वाले हैं दाल के फरे। काफ़ी दिन से सभी का मन हो रहा था दाल के फरे खाने का, तो वहीं यहाँ पे आज बनाने जा रहे हैं। तो चढ़ा दी है कढ़ाई और डाल दिया है इसमें तेल, क्योंकि सबसे पहले हम दाल को भुनेंगे अच्छे से, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और तेल जो है अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग और मिर्ची डालेंगे। आप चाहें तो और भी इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। और जीरा हमारा भुन गया था, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे इसमें दाल और दाल को खूब अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना वो दाल भुनने में ही लगता है। और उसके बाद तो बाकी पूरी रेसिपी जो है वो बहुत ही आसान है, कोई टाइम नहीं लगता है। जो लगता है सो दाल को भूनने में ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही धीमी धीमी आंच पे इसको भूनेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर बाद इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे उसको तीखा बनाने के लिए मिर्ची ऐड करी है। और एक साइड हमारी दाल भुन रही थी, दूसरी साइड यहाँ पे आटा भी तैयार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी ने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है, वैसे आप चावल का भी आटा मिक्स कर सकते हैं। तो फिलहाल आटे में थोड़ी सी अजवाइन मिक्स कर ली गई है और थोड़ा सा नमक डाल लिया गया है। इसके बाद आटे को अच्छे से गूंथ लिया जाएगा और दाल भी जब तक अच्छे से भुन गई है तो इसको यहाँ पे पलट लिया गया है एक थाली में, ताकि अच्छे से थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इसके बाद सारा सामान लेके आ गए हैं कमरे में, क्योंकि यहीं पे चल रहा था कूलर। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि किचन में एक मिनट भी रुकने का मन नहीं करता है, तो
वास्ते फ़िलहाल ये काम हम दूसरी जगह भी कर सकते थे बैठ के, इसीलिए रूम में आ गए हैं। तो यहीं पे दोनों लोग बैठ के बनाएंगे फरे। मम्मी बेलती जा रही थी और हम फटाफट भरते जा रहे थे, क्योंकि दो लोग होते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मम्मी जो है बिल्कुल पूड़ी की सेप की रोटियाँ जैसी तैयार कर रही थी, तो उसमें ही हम दाल को भरते जा रहे थे। और ये ना बहुत ही आसान है बनाना, आप चाहे तो हाथ से भी पूड़ी का सेप दे के बना सकते हैं। हमें थोड़ा सा बेल कर आसान लग रहा था तो हम लोगों ने इसे बेल के ही बना लिया था। तो फाइनली हमारे सारे फरे जो है वो बन के तैयार हो गए थे। उसके बाद एक कढ़ाई में हमने चढ़ा दिया है यहाँ पे पानी, और थोड़ा सा हमने उसमें नमक भी डाल दिया है। और पानी जब अच्छे से खौलने लग गया था उसके बाद हम इसमें फरे डाल रहे हैं। तो लगभग यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इनको पानी में उबाला गया है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने निकाल दिए हैं और देख सकते हैं फरे जो हैं बनके तैयार हो चुके हैं, यानी कि पानी में अभी उबले हुए हैं। और कुछ लोगों को उबले हुए पसंद है, कुछ लोगों को फ्राई किए हुए, फिलहाल हमें उबले हुए पसंद है तो हम लेकर आ गए हैं। और यहीं पर हमारी छोटी वाली बहन भी आ गई है, तो दोनों लोग साथ में बैठ कर फरे इंजॉय कर रहे हैं। आप सभी लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आके दोस्तों। और इन्हीं फरों के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे।